हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और बहुत ही अच्छी वैकेंसीज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डबल AAI जिसे बोला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट वैकेंसी आ गई है बच्चों। तो सरकारी जॉब है, अच्छे इमोल्यूमेंट्स, अच्छे पर्क्स हैं। सारी डिटेल में आपको समझाऊंगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जनरल वैकेंसीज भी है, कुछ स्पेशलाइज वैकेंसीज भी है, वो सारी डिटेल बच्चों देखेंगे। तो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव। तीन तरह की पोस्ट है, एक तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस है, सीनियर असिस्टेंट ऑफिस है और जूनियर एग्जीक्यूटिव है। जूनियर एग्जीक्यूटिव में बड़ी सारी अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं। तो इन वेरियस डिसिप्लिन्स इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये AAI जो एयरपोर्ट्स को गवर्न करती है जो अथॉरिटी, उसकी वैकेंसीज है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, तो पक्की सरकारी जॉब है, तो इसमें कोई भी प्राइवेटाइजेशन या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला काम नहीं है बच्चों, पक्की सरकारी जॉब है। तो इसलिए इसको पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा ध्यान से देखिएगा बच्चों लास्ट तक। और अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लेट अस सी वीडियो है क्या, पूरी वैकेंसीज क्या है। तो वैकेंसीज है बच्चों जूनियर असिस्टेंट की, सबसे पहले ऑफिस, 9 टोटल वैकेंसीज है इसमें से जनरल की और कैटेगरी वाइज दे रखी है यहाँ पर। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की टोटल वैकेंसी थोड़ी कम है इसमें, बट ये कुछ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है और सैलरी भी इनकी अच्छी है। तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की जो सैलरी है बच्चों वो अराउंड 13 लाख के आसपास है, वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। अभी तो 9 टोटल वैकेंसी है, 6 जनरल के लिए है, ठीक है। तो 9 वैकेंसी है बट आई थिंक सफिशियंट है, क्योंकि स्पेशलाइज डिपार्टमेंट है बड़ा ज्यादा और इसमें वैकेंसीज कम ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पर 237 जो होंगी वो जनरल वैकेंसीज होंगी। अकाउंट्स की बच्चों 9 वैकेंसीज अगेन जनरल की, 6 जूनियर और एग्जीक्यूटिव जो कॉमन कैडर है जिसमें कि सारे के सारे जो ग्रेजुएट्स इसको भर सकते हैं, वो 237 है बच्चों, 237 जिसमें 99 वैकेंसीज जनरल की है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस जो एक स्पेशलाइज कैडर आ जाएगा, स्पेशलाइज डिपार्टमेंट आ जाएगा। फिर फायर सर्विसेज, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जब एरोप्लेन्स वगैरह आते हैं, अगर बाय चांस कुछ मिसहैपनिंग, फायर का कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो फायर सर्विस के जो लोग हैं वो उसमें उसकी मदद करते हैं, सर्विस करते हैं बच्चों वहां पर अपनी, तो उसके लिए फ्री फायर सर्विसेज वाले एग्जीक्यूटिव की भी जरूरत पड़ती है, तो वो भी इसमें वैकेंसीज आई है। लॉ लीगल जो लोग हैं जिन्होंने लॉ किया हुआ पहले, तो उनके लिए 18 वैकेंसीज। टोटल काफी अच्छा नंबर है, काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली उसने बोला है यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया है कि इसमें डिक्रीज और इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द AAI, ठीक है। AAI की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डिक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो सकती है। तो अब देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। जो पहली वैकेंसी है बच्चों जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की, उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन, और सीनियर असिस्टेंट की जो है वो ग्रेजुएशन, प्रेफरेबली बीकॉम, अगर बीकॉम है तो बढ़िया है, बट उसके साथ साथ बच्चों एक्सपीरियंस भी मांगे, 2 साल का रेलवे एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्सेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑडिट एंड फाइनेंस या अकाउंट्स में उसका 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई एलिजिबल होंगे, ठीक है। और फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कॉमन कैडर है उसमें एनी ग्रेजुएशन चाहिए। फिर फाइनेंस वालों के लिए बीकॉम विद ICWA या CA हो या MBA हो, 2 साल की स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, अगर MBA आपने करी है तो MBA इन फाइनेंस होना चाहिए बच्चों, ठीक है, तब आप इसमें फाइनेंस के लिए भर सकते हैं। और फायर सर्विसेज के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, बीटेक इन इंजीनियरिंग, बीटेक इन फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो इसमें किसी में भी अगर आपकी बीटेक है तो आप इसको या तो BE हो या BTech हो, किस किस में, फायर इंजीनियर में, मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल में, 3 डिपार्टमेंट्स में अगर आपकी BE या BTech है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन यू हैव लॉ के लिए आपकी BLLB होनी चाहिए, 3 ईयर्स की रेगुलर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या 5 साल का आपका इंटीग्रेट जो 10+2 के बाद होता है इंटीग्रेट प्रोग्राम वो होना चाहिए, ठीक है। सो तब आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये 5-6 तरह के हमारी जो वैकेंसीज हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसीज अभी अच्छी निकली हैं, और इनकी लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की वो सारा मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा बच्चों आपके साथ। ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड, अगर आपने इंटर्नशिप वगैरह करी है वो इसमें रेलिवेंट काउंट नहीं होगा, तो एक्सपीरियंस वही काउंट होगा जो ग्रेजुएशन के बाद आपने जॉब की होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ये आपको पता है, पासिंग परसेंटेज आपकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए, और फॉर बैचलर डिग्री एंड ऑल्सो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने डिग्री बची हो उसमें पासिंग परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट्स हैविंग बीटेक डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई ओनली फॉर अगेंस्ट द पोस्ट फॉर विच एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एज बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, या बीटेक हो या BE हो या बैचलर ऑफ साइंस भी चल जाएगी बच्चों, ठीक है, इंजीनियरिंग, ओके।
तो इन तीनों में मतलब इंजीनियर में काफी बच्चे वो रहते हैं कि बीई मांगी है, बीटेक मांगी है, तो कोई भी एलिजिबल है बच्चों, बीई भी, बीटेक भी और बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट की जो मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स एज ऑन दिस डेट, मतलब 4 सितंबर तक आपकी ये एज होनी चाहिए 30, और 30 से नीचे नीचे होनी चाहिए ये भी 30, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए बच्चों 27 ईयर्स है। ठीक है, तो 27 ईयर्स वाले ही भर सकेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। तो इसमें इवेंट ओपनिंग डेट कब से वैकेंसी आएगी बच्चों, 5 अगस्त से वैकेंसी आना शुरू होगी, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और 4 सितंबर तक यानी एक महीने का अच्छा पूरा आपको टाइम मिलेगा इसको फॉर्म को भरने के लिए। और ये aai.aero.aero पे आपको ये इसके रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। ठीक है, 5 अगस्त डेट याद रखना। और जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोजीशन है उसमें 40,000 प्लस 3 ईयर का एवरी ईयर इंक्रीमेंट है और मे गो अप टू 1,40,000। सीनियर असिस्टेंट 36,000, 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल 3% का इंक्रीमेंट है हर साल, मे गो अप टू 1,10,000 और 31,000 3% का इंक्रीमेंट है और 92,000 तक ये पोस्ट अवेलेबल है जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों, ये तो बेसिक पे है, ये तो बेसिक पे है, इस बेसिक पे के अलावा क्या क्या मिलेगा, देखो बेसिक पे के अलावा डीए मिलेगा, पर्क्स मिलेंगे 35% ऑफ बेसिक पे। ठीक है, मान लो अगर 40,000 तनख्वाह है तो 35% 40,000 का कितना हो गया 14,000 रुपए। ठीक है, तो 14,000 आपके पर्क्स बेनिफिट्स हो गए जो कि 40,000 को 54,000 बना देगा। फिर उसके बाद डेरेंस अलाउंस है, HRA है, अदर बेनिफिट्स है, CPF है, ग्रेचुटी है, जो सारे सरकारी में जो आपके पर्क्स बेनिफिट्स मिलते हैं बच्चों वो सारे के सारे इसमें मिलने वाले हैं। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। देखो यहाँ पर आपको बताया गया कि 13 लाख इसका जो CTC है वो 13 लाख है, यानी आपका जो सैलरी हो जाएगी बच्चों और अप्रोक्सीमेटली 1.1 लाख पर मंथ होगी। ठीक है, 1.1 लाख पर मंथ इसमें। और जूनियर एग्जीक्यूटिव में, सॉरी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर के लिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए बच्चों ये 11.5 लाख अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ हो जाएगी सब कुछ मिलाने के बाद, सब पर्क्स बेनिफिट्स मिलाने के बाद। ठीक है, और ये 10 लाख ये होगी जूनियर असिस्टेंट की, यानी अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 हजार के आसपास बनेगी मंथली, जो सब कुछ पर्क्स बेनिफिट डालने के बाद। ये बेसिक पे है, इसके अलावा आपको पर्क्स बेनिफिट इतने ही ऑलमोस्ट जुड़ जाएंगे बच्चों से। ठीक है, ओके, तो ये बेसिक पे है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही बेहतरीन जैसे बोलते हैं सैलरी पैकेज भी है जिसको आप अप्लाई करके, कैसे अप्लाई करना है, 1,000 रुपए का फॉर्म होगा जो कि आप भर सकते हो। हाउएवर द SC/ST कैंडिडेट्स अप्रेंटिसेस, जिन्होंने अप्रेंटिस यानी जिन्होंने ट्रेनिंग करी है बच्चों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उनके लिए फ्री होगा ये फॉर्म, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। एंड फीमेल कैंडिडेट्स, कोई भी फीमेल कैंडिडेट आप भरना चाहते हो बच्चों उसके लिए फ्री है। तो सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए ये फॉर्म, और वो भी सिर्फ बॉयज के लिए फॉर्म होगा 1,000 रुपए का, बाकी सबके लिए फ्री है। तो ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा बच्चों, सिलेक्शन प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा। कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। CBD कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बच्चों इसका, हर एक पोस्ट के लिए, तीनों जो पोस्ट हैं यानी टोटल 6 जो पोस्ट हैं बच्चों, हर एक स्पेशलाइज के भी अपना एक CBD का टेस्ट होगा बच्चों उनका। उसका जो सिलेबस होगा वो उन्होंने बोला है कि प्रेस नोट में दोबारा से आपको बताया जाएगा। तो जैसे पहला जो पैटर्न आता है वो आपसे हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, कि पहले जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो फॉर्म आता है उसमें क्या क्या पैटर्न रहते हैं हर एक पोस्ट के लिए, तो वो डिस्कस करेंगे। बट ये इन्होंने बोला है कि प्रेस नोट में दोबारा से अपना एडवाइज करेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सभी पोस्ट के लिए CBD का फॉर्म होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा बच्चों इसमें। ठीक है, परफॉर्मेंस जो लेके आएगा उसको आगे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसको आगे भेजा जाएगा। उसमें कंप्यूटर लिटरेसी का टेस्ट भी हो सकता है, फिजिकल टेस्ट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा बच्चों कौन सी पोस्ट के लिए जा रहे हैं। जैसे फायर वालों के लिए फिजिकल टेस्ट है, इंड्योरेंस टेस्ट है, और बाकी पोस्टों के लिए कुछ के लिए कंप्यूटर टेस्ट है, तो उनके वो डिपेंड करेगा कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपने भरा है। तो उसके लिए आपका नेक्स्ट राउंड के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो रोल नंबर्स ऑफ द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन AI वेबसाइट ओनली, कॉल लेटर्स मिल जाएंगे अगले जो एग्जाम के लिए आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट जो ऑफिस वाली पहली पोजीशन है जिसका 13 लाख का पैकेज है, और सीनियर असिस्टेंट के लिए बच्चों जो दूसरा फॉर्म, जो दूसरा राउंड होगा उसमें कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा MS ऑफिस का। इसमें MS ऑफिस, MS वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल आपसे करा के देखा जाएगा और थोड़ा टाइपिंग भी चेक होगी बच्चों आपकी। तो इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप इसमें एलिजिबल हो पाओगे सिलेक्शन के लिए। ओके, तो ये सेकंड राउंड हो गया जिसमें कि आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं ग्रेजुएशन के वो सही है गलत है,
और आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा। ओके, अब जो जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो सीनियर के नीचे वाले, जो थर्ड वाली कैटेगरी है जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसमें काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो फायर वाले में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, रनिंग भी होगी, पोल क्लाइंबिंग, लैडर क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, ड्राइविंग टेस्ट, ये सारा कुछ लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको ड्राइविंग भी कराई जा सकती है, फायर जो जो फायर ब्रिगेड होती है तो उसकी जो बस होती है वो बच्चों उसकी ड्राइविंग कराई जा सकती है, और बाकी जो सीढ़ी पर चढ़ना उतरना, रोप क्लाइंबिंग, वो सारा आपको आपका टेस्ट होगा सेकेंड राउंड में। ठीक है, तो फॉर द पोस्ट ऑफ फायर सर्विस शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ वैलिड परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये है बेसिक बेसिक आप चीजें देख सकते हो। ड्यूरिंग एप्लीकेशन वेरिफिकेशन द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अलोंग विद द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रूफ, आईडी प्रूफ, जो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपका इसमें एलिजिबल होगा तो वो आपको लेके जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम के ऊपर। कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग इन सेंट्रल डिपार्टमेंट आर रिक्वायर्ड एनओसी आपको देना होगा बच्चों, जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या तो सेंट्रल में या स्टेट में कहीं भी जॉब कर रहे हो तो वहां का आपको एनओसी देना होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन, ये सेकेंड राउंड में ये होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आगे रखा जाएगा नाम। ठीक है, तो ये सारा कुछ है बच्चों, एयरपोर्ट एआई के वेबसाइट पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन सारी मिलेगी आपको, वहीं से आपको ये यूएफएम है, अनफेयर मींस वाला, अनफेयर मींस में मिसकंडक्ट के आपको ये आप गो थ्रू कर सकते हो बच्चों, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। तो अप्लाई कैसे करना है, द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही शुड फुलफिल द एलिजिबिलिटी, बच्चों एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी है आपने पहले, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करके अप्लाई करना है। फर्निशिंग ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपनी अपने बारे में नहीं देनी है। तो अप्लाई ऑनलाइन थ्रू अ लिंक अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट, इस वेबसाइट के ऊपर बच्चों लिंक आएगा, वो हम आपको नोटिफाई करते रहेंगे बच्चों। 5 अगस्त को निकलेगी नोटिफिकेशन, तो उस टाइम पे आप भर सकते हो, करियर में जाना है और उसको फॉर्म को भरना है, अपना जो सिग्नेचर है और फोटोग्राफ है पहले से स्कैन करके रखनी है, जो कि इसमें यूज होगी, एक पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का आपको यूज करना है, जहां पर आपको ओटीपी और जो बाकी पासवर्ड आएगा बच्चों इसका। ठीक है, तो वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, स्कैन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपका, फोटोग्राफ और सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन का। ठीक है, और हैंड रिटन आपका डिक्लेरेशन होनी चाहिए कि व्हाट एवर आई हैव सबमिटेड इज राइट इन माय इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो आपका कास्ट का जो आपका सर्टिफिकेट होंगे बच्चों वो भी आपको सबमिट करने होंगे, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है या अदर बैकवर्ड क्लास है। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो इसमें आपके जो फॉर्म्स चाहिए होंगे बच्चों वो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे रेलेवेंट होने चाहिए। ठीक है, एडवाइज नॉट टू रिस्पॉन्ड टू अनस्क्रूपुलस एडवर्टाइजमेंट, चलो ये तो कुछ ज्यादा है नहीं डिस्कस करने वाला। फोटोग्राफ का ये साइज होगा बच्चों जो आपने भरनी है फॉर्म, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं बच्चों जो आपको गो थ्रू करनी है बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसे बनानी, वो सारा इसमें मेंशन होगा। ठीक है, ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है कि आई Hereby declare that all information submitted by is correct and true and valid. ठीक है, तो ये है बच्चों वैकेंसी, तो काफी अच्छी वैकेंसी है, इसकी पूरी डिटेल लेकर हम आपके साथ आएंगे जब 5 तारीख को इसका जो सिलेबस आ जाएगा और आगे किस किस तरह से कैसे कैसे एग्जाम होगा वो सारी डिटेल आएगी। बट आपको एलिजिबिलिटी अगर बनती है तो 5 अगस्त को तैयार रहना बच्चों फॉर्म भरने के लिए, और एक महीने का टाइम मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी, बहुत अच्छी पोजिशन, बहुत अच्छी सैलरीज आपको ऑफर की जा रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो आप अपना फ्यूचर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ बना सकते हैं। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, हमारे जो गिवन नंबर्स हैं ये गिवन नंबर्स पे आप आईबीएस में कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है एआई के लिए वो स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारे काफी ऑल ओवर इंडिया काफी सारी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, अगर वहां पर आपके नियर बाय कोई नहीं है तो ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल रहती है बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स अवेलेबल हैं, जैसे भी आपको करना है, पढ़ना आपने पढ़ाना हमने, तो बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी होगी और ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो हम उसकी तैयारी मैक्सिमम से मैक्सिमम करा सकें और आपका सिलेक्शन करा सकें। ठीक है, यही हमारी अप्रोच रहेगी और यही हमारी विशेष रहेगी सबको, तो बढ़िया से आप तैयारी कीजिए, आईबीएस के साथ जुड़ जाइए ताकि आप अपना सफल करियर जल्दी से जल्दी बना सकें। ठीक है, चलो बेस्ट विशेष स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर एंड जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो जरूर भाई लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमें सपोर्ट मिल सके बच्चों। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू एंड टेक केयर, बाय, सी यू।